हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत इन इजी वे में। धातु रूप हम पढ़ रहे हैं, धातु रूप के प्रत्यय। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था धातु रूप के प्रत्यय दो लकार के साथ में, लट लकार और लिट लकार। आज हम पढ़ रहे हैं लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार के साथ में प्रत्यय जोड़ करके धातु रूप आसानी से बनाना। जो कल का वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख करके समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं लंग लकार। भूतकाल यानी बीता हुआ काल। तो पुरुष तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में एक वचन लंग लकार के जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो इस प्रकार है। देखिए, लंग लकार में उपसर्ग होता है ए। पहचान भी इसकी यही है। अगर हम धातु रूप में से पहचानना चाहते हैं कि कौन सा लंग लकार है, तो जिस धातु के साथ में, क्रिया के साथ में ए जुड़ा हुआ है, ए उपसर्ग है, वह लंग लकार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ए जो है वो उपसर्ग जोड़ रहे हैं और अत जो है पीछे वो है इसका प्रत्यय। अब इस प्रत्यय में अत जोड़ा और फिर द्विवचन में ए के साथ अताम जोड़ा और बहुवचन में ए के साथ अन। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में उपसर्ग जुड़ेगा ए और प्रत्यय जुड़ेगा ए है। तो हमें याद क्या करना है, देखिए उपसर्ग जो है ए है सब में, पीछे के जो प्रत्यय है वो याद क्या करने हैं, अत अताम अन। ए है अताम अत, अम आव आम, ये हमें नो शब्द याद करने हैं बिल्कुल अच्छे से। उपसर्ग में तो सिर्फ ए ही है, तो पीछे जो प्रत्यय कितने हैं, नो। अब ये नो शब्दों से हमें किसी भी धातु के साथ में जोड़ करके आराम से लंग लकार के धातु रूप बना सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ बनाए हैं चल धातु के साथ लंग लकार बनाया। तो प्रथम पुरुष में चल के साथ में, चल धातु के साथ में उपसर्ग क्या जोड़ा, ए, और पीछे प्रत्यय क्या है, अत। तो उपसर्ग तो एक ही याद रखना है हमें, ए जोड़ना है, पीछे प्रत्यय क्या जोड़ना है, अत। चल के साथ में अत जोड़ा तो क्या बना, चलत, और आगे उपसर्ग लगा ए तो बन गया ए चलत। ये पहचान है ए किसकी, लंग लकार की। जिस लकार में ए उपसर्ग आ रहा है वह लंग लकार। द्विवचन, चल धातु के साथ में अताम प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, चलताम, और ए उपसर्ग साथ में जुड़ गया तो ए चलताम, ये बन गया प्रथम पुरुष का द्विवचन। चल के साथ में अन जोड़ करके बना दिया चलन, ए जुड़ा ना ल के साथ में तो इस ल का हलंत हट गया, ए इसमें जुड़ा तो पूरा ल बन गया और पीछे न, तो क्या बन गया, ए चलन, और ए आगे आ गया ना तो बन गया ए चलन यानी गए। मध्यम पुरुष, चल के साथ में अह जोड़ा, कौन सा प्रत्यय, अह, तो क्या बना, चलह, और ए आगे उपसर्ग जोड़ दिया तो ए चलह, ये बन गया मध्यम पुरुष का एक वचन। फिर चल के साथ में अतम जोड़ा, बना चलतम, और ए उपसर्ग लगाया तो ए चलतम, ये क्या बन गया, मध्यम पुरुष का द्विवचन। फिर बहुवचन बना रहे हैं हम मध्यम पुरुष का, तो चल के साथ में अत। देखिए, ध्यान देने वाली बात इसमें है कि अत जो यहाँ भी ए चलत है और यहाँ भी ए चलत है, दोनों में फर्क क्या है, एक वचन प्रथम पुरुष का जो आता है उसमें नीचे हलंत होता है, मध्यम पुरुष का जो बहुवचन ए चलत आता है उसमें हलंत नहीं होता है, इसका ध्यान रखेंगे हम।
गलत हलांत लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। उत्तम पुरुष चल के साथ में अम जोड़ा तो क्या बना, ए चलम। चल के साथ में आओ जोड़ा तो, और साथ में ए उपसर्ग तो ए चलाओ। चल के साथ में आम ए उपसर्ग जोड़ के बना दिया ए चलम। इसी प्रकार से हम दूसरी धातु के साथ में भी जोड़ के बना सकते हैं, है ना। देखिए क्रीड के साथ में बनाते हैं। क्रीड यानी खेलना, ये है धातु। और इसके साथ में अगर हम बनाना चाहते हैं प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमें याद है ए उपसर्ग होता है और अत प्रत्यय होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, अत प्रत्यय और ए उपसर्ग। तो इसके साथ में हम ए उपसर्ग जोड़ देंगे। ये जोड़ा हमने, ए उपसर्ग जोड़ा, फिर हमारी जो धातु है वो लिख दी हमने। उसके बाद में ये हलंत हमें हटाना है, क्योंकि ये जो अत जोड़ना है ए इसके साथ में जुड़ जाएगा और त पीछे आ जाएगा, अक्रीडत। बहुत आसान है ना, जल्दी से बना सकते हैं। बस आपको सिर्फ नौ शब्द याद कर लेने हैं तो बन गया। इसी प्रकार से हम दूसरी धातु के साथ में जोड़ करके भी बना सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले लकार की ओर। लोट लकार आज्ञार्थक वाक्य बनते हैं लोट लकार से। जब भी हमें आज्ञा देनी हो तब लोट लकार काम में आता है। इसके प्रत्यय देखिए, पुरुष वही प्रथम मध्यम और उत्तम, तीन पुरुष, वचन भी तीन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय है अतु, द्विवचन का अताम, बहुवचन का अंतु। मध्यम पुरुष में सिर्फ ए एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए अतम, बहुवचन के लिए अत। उत्तम पुरुष में एक वचन के लिए आनी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। अब हम इनको जोड़ते हैं धातु के साथ में और बनाते हैं धातु का रूप लोट लकार का। हास्य धातु के साथ में लोट लकार के धातु रूप बनाते हैं प्रत्यय जोड़ करके। प्रथम पुरुष में जोड़ते हैं एक वचन के लिए अतु, किसके साथ में, हस के साथ में, हस यानी हसना। और अतु प्रत्यय जब जोड़ा तो बन गया हसतु, जिसका अर्थ हो गया हसो। हस के साथ में अताम जोड़ा, बना हसताम। हस के साथ में अंतु जोड़ा, बन गया हसंतु, यानी बहुत सारे हसो, वे सब हसो। मध्यम पुरुष हस के साथ में अप्रत्यय जोड़ा, तो स के नीचे देखिए हलंत है ना, तो ये हलंत हट जाएगा जब ए स के साथ में जुड़ेगा, तो सिर्फ क्या बन जाएगा, हस। मध्यम पुरुष एक वचन हस, तुम हसो। और हस के साथ में अतम जुड़ा तो हसतम, तुम दोनों हसो। और हस के साथ में अत प्रत्यय जोड़ करके बन गया हसत, यानी तुम सब हसो। उत्तम पुरुष का बनाएंगे आनी प्रत्यय जोड़ करके हस के साथ में हसानी, मैं हसूं। हस के साथ में आव प्रत्यय जोड़ करके बनाएंगे तो बना हसाव। और हस के साथ में आम प्रत्यय जोड़ करके हसाम, यानी हम सब हंसे। किसी भी धातु के साथ में और जोड़ सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको पट का ही बता दूं, क्योंकि पट बहुत जल्दी से आसान हो जाता है याद करना। तो पट के साथ में हम जैसे मध्यम पुरुष का जोड़ रहे हैं द्विवचन, तो द्विवचन का प्रत्यय जोड़ लेते हैं हम किसके साथ में, पट के साथ में। पट के साथ में क्या जोड़ना है हमें, द्विवचन अतम, तो जोड़ते हैं इसके साथ में अतम। तो कैसे बनेगा ये, प ठ, ये ठ का हलंत हमें हटाना है क्योंकि ए इसके साथ में स्वर आ रहा है, और फिर पीछे बचा तम, और ये तम लिख दिया हमने, बन गया पठतम। बहुत आसान है ना, जल्दी से बना लेंगे हम। क्यों, क्योंकि हमें नौ शब्द याद है प्रत्यय के लोट लकार के। अब चलते हैं हम अगले लकार की ओर, विधिलिंग लकार। चाहिए अर्थ के लिए, पुरुष एक वचन,
प्रथम पुरुष में देखिए एक वचन में प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, एत। द्विवचन में एताम, बहुवचन में एयुः। मध्यम पुरुष में जोड़ेंगे एह, द्विवचन में एतम और बहुवचन में एत। उत्तम पुरुष के लिए एक वचन का जोड़ेंगे प्रत्यय हम एयम और द्विवचन के लिए जोड़ेंगे एव और बहुवचन के लिए एम। कितने शब्द हैं ये, नौ शब्द, सिर्फ नौ शब्द। बस इन नौ शब्दों के साथ में ही टिका है आपके धातु रूप याद करना। अब हम जोड़ते हैं धातु के साथ में और बनाते हैं इसके विधिलिंग लकार के धातु रूप। हस के साथ में जोड़ रहे हैं और बना रहे हैं विधिलिंग लकार के धातु रूप। प्रथम पुरुष में एक वचन में हम क्या जोड़ रहे हैं, एत। हस के साथ में जोड़ा एत। अब यहाँ देखिए ए जो है वो ए की मात्रा लग जाएगी, यानी स पर ये ए की मात्रा लगी और पीछे तल जोड़ करके बन गया हसेत। हस के साथ एताम जोड़ा हसेताम, हस के साथ एयुह जोड़ा हसेयुह। मध्यम पुरुष में हस के साथ एह जोड़ा तो क्या बन गया, हसेह। हस के साथ एतम जोड़ करके बन गया हसेतम और हस के साथ एत जोड़ करके बन गया हसेत। जैसे अभी ये मध्यम पुरुष है और ये बहुवचन है तो बहुवचन का एत मैं आपको दूसरी धातु के साथ में जोड़ करके बताती हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो हम जोड़ लेते हैं वद के साथ में, वद यानी बोलना, और वद के साथ में हम जोड़ते हैं एत को तो क्या बन जाएगा, कैसे लिखेंगे हम, व और द के नीचे जो ये हलंत है इस हलंत को हटा देंगे और ये ए जो है इसकी हम ऊपर मात्रा लगाएंगे, किस पे, द के साथ में। द का हलंत हटा करके ऊपर ये ए की मात्रा हो गई और पीछे क्या बचा, त, और लिख दिया हमने त, बन गया वदेत। यानी तुम सबको बोलना चाहिए, अर्थ क्या हो गया देखिए इस शब्द का, तुम सबको बोलना चाहिए। और यहाँ हंस के साथ में एत जोड़ा तो तुम सबको हंसना चाहिए। उत्तम पुरुष हंस के साथ एयम जोड़ करके बनाया हसेयम, हंस के साथ एव जोड़ करके बनाया हसेव और हस के साथ एम जोड़ करके बनाया हसेम। बहुत ही आसान है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए आप हमें लिखते रहें, बताते रहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।